डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास सिक्स का मैथ है, एनसीईआरटी का मैथ, एक्सरसाइज 5.8, चैप्टर 5 है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे क्या कह रहा है, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर हेक्सागॉन। रेगुलर हेक्सागॉन का एक फिगर बनाने के लिए कह रहा है, कनेक्टिंग एनी थ्री ऑफ इट्स वर्टाइसेस, कोई तीन वर्टाइसेस को ऐड करके मिला के ड्रॉ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बनाना है। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्रायंगल यू हैव ड्रॉन, जो आपने ट्रायंगल बनाया है उसको पहचानिए कि वो किस प्रकार का ट्रायंगल है। तो इसको बनाने के बाद ही पता चलेगा, तो बनाते हैं। यहाँ पे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और एक रेगुलर हेक्सागोन बनाना है। तो हेक्सागोन, हाथ से रेगुलर हेक्सागोन बनाना आसान नहीं है, मैं किसी तरह से बना देता हूँ। यहाँ पर ये इस तरह से और इस तरह से, फिर यहाँ से यहाँ लेना है, यहाँ से यहाँ हेक्सागोन, ये सिक्स साइड हो गया, इसका मतलब है कि ये हेक्सागोन हो गया। तो ये रेगुलर हेक्सागोन तो नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि ये रेगुलर हेक्सागोन है। अब यहाँ से कोई तीन, मतलब ये तो मिला हुआ है, मतलब यहाँ ट्रायंगल बनाना है। तो आप अगर यहाँ से यहाँ मिलाते हैं तो क्या होगा, ये इधर भी क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा और इधर भी क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरह से मिलाने से आप ट्रायंगल पा सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहीं मिला लेते हैं, इसको हम यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, चलिए यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, तो ये हमको ट्रायंगल मिल गया। तो ट्रायंगल मिल गया, इसका नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ, इस तरह से रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर हेक्सागोन में एक चीज़ क्या आता है कि उसका जो भी साइड है वो सारे इक्वल होते हैं। यहाँ पे ये इक्वल, ये भी इक्वल, और ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, सारे साइड इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल किसमें, सी डी ई, सी डी ई, आप जिस प्रकार से नाम रखेंगे उस तरह से इसका नाम आएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि सी डी ही आएगा, आप दूसरा तरह से नाम रख सकते हैं। तो सी डी ई ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल हमको मिल गया। तो दो साइड इक्वल है, तो दो साइड अगर इक्वल हो तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल कराता है। सी डी ई, ट्रायंगल सी डी ई इज़ ए आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें, पढ़ते हैं। ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागोन। रेगुलर ऑक्टागोन का एक पिक्चर बनाने के लिए कह रहा है, यूज स्क्वायर पेपर इफ यू विश। स्क्वायर पेपर अगर आप नहीं बनाना सक रहे हैं तो स्क्वायर पेपर का आप यूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। ड्रॉ ए रेक्टेंगल बाय ज्वाइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द ऑक्टागोन। तो यहाँ पे इसका 4 वर्टाइसिस को ऐड करके उसको एक रेक्टेंगल बनाना है उसमें, तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा तभी पता चलेगा। तो सबसे पहले 4 नंबर यहाँ पे लेते हैं और इसमें बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऑक्टागोन। तो ऑक्टागोन बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा, इसको काफ़ी सावधानी से बनाना होगा तभी ये बनेगा। और भी रेगुलर, ये रेगुलर अगर कहा जाए तो रेगुलर नहीं है, लेकिन मान लेना कि ये रेगुलर है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये हो गया, इसका नाम हो गया। अब इसमें 4 वर्टाइसेस को ऐड करके बनाना है एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल हम अगर यहाँ से यहाँ मिलाते हैं तो फिर वो बनने वाला नहीं है, इस तरह से ट्रायंगल बनते जाएगा। तो इसको बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, या तो यहाँ से ऐसे मिला सकते हैं ए डी एच ई, इस तरह से हम रेक्टेंगल प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बी जी सी एफ, इसको अगर मिलाते हैं, यहाँ से यहाँ मिलाते हैं और यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, तो हमको रेक्टेंगल मिलेगा। ये हो गया, ये इक्वल हो गया और ये दोनों इक्वल हो गया, इस तरह से हमको किसे मिल गया, बी सी बी जी बी जी सी एफ, सी एफ इज़ ए रेक्टेंगल। तो इस तरह से हमें रेक्टेंगल मिलेगा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी 2 वर्टाइसेस ऑफ द पॉलीगॉन एंड इज नॉट ए साइड ऑफ द पॉलीगॉन। तो डायगोनल जो होता है वो 2 वर्टाइसेस को आपस में जोड़ता है, लेकिन वो पॉलीगॉन का साइड नहीं होता है, पॉलीगॉन का साइड नहीं होता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 5 नंबर लेते हैं, अगर हम कोई पॉलीगॉन बनाए हैं इस तरह से, मान लेते हैं कि ये स्क्वायर बना हुआ है, तो ये स्क्वायर में ये साइड जो है 2 वर्टाइसेस को तो मिला रहा है,
ये इसको मिला रहा है, ये इसको मिला रहा है, यहाँ दो वर्टाइसेस मिल आपस में ऐड कर रहा है, लेकिन ये क्या है, ये डायगोनल नहीं कहलाएगा, ये साइड है, तो ये साइड नहीं होने चाहिए। तो ये जो है डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टाइसेस को ऐड करता है, वो डायगोनल होता है। तो यहाँ पे ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ ए पेंटागॉन एंड ड्रॉ इट्स डायगोनल्स, तो एक रफ स्केच बनाना है किसका, पेंटागॉन का। तो पेंटागॉन का रफ स्केच बना लेते हैं, तो इसमें रेगुलर नहीं कहा गया है, इसलिए किसी तरह से आप इसको ये कर सकते हैं। ये हो गया, यहाँ पे इसको ये कर दिए, 1 2 3 4 5, तो ये पेंटागॉन बन गया। अब इसके अंदर में कितने डायगोनल्स आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से आप खींच सकते हैं, तो यहाँ से हम यहाँ मिला लेते हैं, ये हो गया, फिर यहाँ से यहाँ मिला लेते हैं, और इसको यहाँ से यहाँ मिला लेते हैं, इसके अलावा इसको यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं, और फिर इसको यहाँ से यहाँ मिला सकते हैं। तो इतने सारे डायगोनल्स हम इसके अंदर ले सकते हैं। इसका नाम रख देते हैं ए बी सी डी और ई, ये हो गया। तो डायगोनल्स हम कितने इसमें खींचे, कितने डायगोनल्स मिला, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डायगोनल्स का नाम, डायगोनल्स और इसमें डायगोनल्स है, सबसे पहले ए से लेते हैं, ए से कितने डायगोनल्स मिले, ए सी ए सी, उसके बाद ए डी और फिर बी से लेते हैं, बी ई, तो बी ई, उसके बाद बी डी और फिर सी से सी ई, सी सी ई, ये हो गया 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितने बने हैं, बेसिकली यहाँ पे 5 डायगोनल्स ही खींचा गया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ जो 5 नाम दिया हुआ है, अगर इससे ज़्यादा हम लेते हैं तो यही सब नाम घूम फिर के आएगा। जैसे कि हम डी से लेते हैं तो डी ए, तो डी ए लिखें या ए डी लिखें, तो ए डी पहले से यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब इतने ही नाम आएंगे, तो यही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.8 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।